सो यहाँ से 900 मीटर दिखा रहा है जबकि अभी हम 900 मीटर और चलने वाले हैं। हमें लगातार 800 मीटर है, 900 मीटर और चलने वाले हैं। ये देखे जयंत के लिए नए चश्मे। फाइनली बहुत देर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुच्चू पानी के रोबोट्स के। भीड़ बहुत है क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे सैटरडे सैटरडे। तो ये है एंट्रेंस यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। देहरादून में ये हमारा दूसरा दिन है और कल हम लोग घूमने नहीं जा पाए क्योंकि हम थोड़ा सो गए थे और अभी घूमने निकलेंगे हम। तो हम यहाँ से होटल यहाँ होटल से चेकआउट कर रहे हैं, दूसरे होटल चेक इन करेंगे अभी थोड़ी देर में। आपको वहाँ का दिखाता हूँ कैसा रूम है क्या है और उसके बाद हम घूमने जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहो, देहरादून में देखते हैं अभी कई जगह जाना है। सो लेट्स, टाइम हो चुका है चेक इन मतलब यहाँ से चेकआउट करने का। सो लेट्स गो फॉर न्यू लोकेशन। और कुछ छूट तो नहीं रहा, चेक कर लेते। अपने रूम में पहुंच चुके हैं, ये है हमारा बैग, अभी लगेज अंदर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा छोटा रूम है तो हमें अभी शाम तक यहाँ रुकने वाले हैं। तो ये है यहाँ पे, ये बेडिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पे मयंक सिंह आजाद खड़े हैं, यहाँ पे तनु खड़ी है और यहाँ पे भी टीवी वगैरह बैग वगैरह हमारे रखते जा रहे हैं। एंड इसका वॉशरूम दिखा देते हैं कैसा है। इसका वॉशरूम भी सिमिलर ही है, वही जैसा वहाँ था। तो हम यहाँ से अभी बस सामान रखेंगे और निकल लेंगे घूमने क्योंकि कल हमने कहीं नहीं घूमे ना, तो आज हमें घूमना जरूरी है। सो अभी निकल रहे हैं हम बाहर, आपको दिखाते हैं होटल रूम थोड़ा। ये दादा ही वो छोटा है, हम लोग सामान रखने के लिए लिए हैं क्योंकि अभी शाम को हमारी ट्रेन भी है, जाएंगे रिटर्न हो जाएंगे आज। तो आज दिन भर घूमने का मौका है हमारे पास, घूम लेते हैं आपको दिखाते हैं। तो हम निकल चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है और हम जा रहे हैं रॉबर केव देहरादून में क्योंकि बहुत ही फेमस है और सैटरडे की वजह से बहुत जाम मिला। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं थोड़ी दूर के लिए, मतलब लाइक 500 मीटर रहेगा यहाँ से समथिंग, और ट्रैफिक बहुत है। तो आगे मयंक, पीछे ये लोग हबीबी एंड वैप्स। सो अभी हम यहाँ जा रहे हैं, नीचे जाके फिर आपको दिखाते हैं। धूप भी बहुत तेज है यार, इतना टेम्परेचर लखनऊ में भी अभी चल रहा है 41, यहाँ भी 41 ही है। सो यहाँ से 900 मीटर दिखा रहा है जबकि अभी हम 900 मीटर और चलने वाले हैं। हमें लगा था 800 मीटर है, 900 मीटर और चलने वाले हैं। धूप बहुत तेज है, चलते हैं, घूमने आए हैं तो घूमेंगे, चलते जाएंगे। भीड़ देखो कितनी ट्रैफिक है। जयंत, ये देखे जयंत के लिए नए चश्मे, इन्होंने अपना एक चश्मा फेवरेट चश्मा वो खो दिया, पता नहीं कौन से होटल में खो दिया। सो हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं गुच्चू केव में। एंटर कर रहे हैं हम लोग गुच्चू केव में, चलो भाई आगे चलो। और स्टार्टिंग में देखिए यहीं से दिखना शुरू हो गया फॉल्स वगैरह, यही सब है। वाटर थोड़ा गंदा हो चुका है इधर अभी, आई थिंक। मैं तुम्हारे व्लॉग के थ्रू बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग आते हैं घूमने के लिए हिल एरिया में, जरा थोड़ा सा साफ सफाई रखो, आके अपना वो मत दिखाओ। हाँ, ये पूरा गंदा कर रखा है बहुत सारा, कुछ बहुत सारे लोग आते हैं ना, इसे अपनी गंदा ना करो। पहुँच चुके हैं केव के पास, समथिंग लाइक ये है केव का एंट्रेंस टाइप ऐसे कुछ, यहाँ से अंदर जाना है हमें। आप देख सकते हो पानी बहुत गंदा है, देखते हैं अभी जाते हैं अंदर, बहुत भीड़ बहुत दिख रही है अंदर। तो हमें लोग पानी वो ठंडा नहीं है, उतना ठंडा नहीं है, बट गंदा है पानी, गंदा पानी है। ये लोग, ये लोग देखिए मटमैला पानी है। कैसा ये पानी, उफरान वाला लग रहा है, मैं लखनऊ में हूं। हां, अभी हम लोग ऐसे ही चल के जाने वाले हैं इसके अंदर। हां, अभी यहाँ पे पानी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे पानी का लेयर थोड़ा ज्यादा है। जयंत का जींस जो वीकनेस शुरू हो चुका है और अब व्हेल मछली पानी में उतर चुकी है। और ये केव्स है, अभी अंदर जाने वाले हैं हम लोग, मजा आने वाला है बहुत। ये देखो देखो, दो लोगों पकड़े हुए हैं इनको। तो हम आ चुके हैं थोड़ा सा केव के अंदर, ये देखिए कितना मस्त है भाई, कितनी दूर तक रहेगा ये। तो पानी थोड़ा गंदा तो है बट बहुत दूर तक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम। कल के हम अंदर जा रहे हैं, तो ये देखिए
वाह यार नाइस, मैंगो अच्छी सी फोटो क्लिक कर रहा है। ये देख, अरे भाई ये पत्थर देखो कैसे अटका हुआ है, अगर नीचे आया तो। ये केव है अंदर और बहुत आगे तक जाना है हमें, बहुत वाटर पानी के अंदर चलते हुए। वाह आराम से आराम से आगे निकलते जाओ, कोई नहीं देख रहा। अकेले चल रही है। यहाँ पे कितने भीड़ है, भीड़ बहुत है, भीड़ यहीं से जाना है। यहाँ पे एक मेन केव है, वहाँ से वाटरफॉल भी हो रहा है, आगे दिखाता हूँ मैं अभी। वहाँ पे स्टोन है नीचे की तरफ आया हुआ है, आई थिंक मैंग के सर पे टच होगा, टच कर फोटो। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल का भी है, आप बहुत देखें भीड़ है यहाँ पे, चेपो चेपो बहुत है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत है। मैंग और मैंग भी चढ़ चुके हैं, और यहाँ पे दुकानें वकानें भी हैं इस साइड पे, और हम ऊपर आके बैठ गए। वो लोग आई थिंक नीचे रिटर्न हो गए क्योंकि वो लोग चढ़ नहीं पाएंगे, फिस लेन बहुत है। आगे चलना है, चलो आगे आगे, अभी हम आगे थोड़ा सा जा रहे हैं, आगे का दिखाता हूँ। सब और भी आगे की तरफ निकलते जा रहे हैं, इधर साफ पानी दिखते जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए कैसा केव कैसा है, बस हल्ला बहुत है क्योंकि पब्लिक बहुत है यहाँ पे, भीड़ है यहाँ सैटरडे, इसके लिए भीड़ भी है ना यहाँ पे। हमें भी आज ही का दिन मिला यहाँ पे आने के लिए, और भी आगे चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें मैं दिखाता हूँ इधर इधर से। ये देखिए नीचे की तरफ गिर रहा है, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अंदर भी जाना है अभी, अंदर देखते हैं अंदर क्या है। बड़ा वाटरफॉल है यहाँ पे, इससे ऊपर नहीं चढ़ सकते हम, थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया हूँ। और ये नीचे अभी थे हम लोग, मयंक वहाँ खड़ा है, और ये केव से अंदर अंदर जा सकते हैं, वहीं तक एंड है सामने ही, अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं जा नहीं रहा अंदर, यहीं से हम रिटर्न हो रहे हैं। आगे दिखाते हैं फिर से। वो लोग अभी सॉरी तीन लोग वो लोग नहीं गए थे ऊपर, हमारा अश्विनी खाली चढ़े थे, तो अभी देखते हैं। तू रुकना अंदर है, लोग उतना ऊपर से चढ़ के आए रहे, और यहाँ पे देखिए कुछ लोग। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे घूम के आ रहे हैं, हम मैं वहाँ से पूरे लास्ट जहाँ पे वो फॉल था वाटरफॉल, वहाँ से घूमते हुए हम आ रहे हैं। देन आया क्यों नहीं आगे तू, तो हम लोग केव से निकल चुके हैं अंदर, वो पानी वानी बहुत गंदा कर दिए हैं लोग वहाँ पे बॉटल वगैरह फेंक के। तो इससे रिक्वेस्ट, कितने व्यूवर्स वगैरह देख रहे हैं या जो भी देखेंगे फ्यूचर्स के लिए, आप आएँ घूमें बट गंदा ना करें यहाँ पे, क्योंकि सब लोग घूमने आते देखने आते अच्छी चीज़ें देखने आते, अंदर बॉटल वगैरह पड़ी हुई है। खाना खाना है यहाँ बाहर, फूड कोर्ट वगैरह है अच्छा अच्छा, बाहर आप खाइए, निकल के खाइए, ज़्यादा दूर तो जाना भी नहीं है, अंदर लेके बॉटल जाने की जरूरत नहीं है। और मज़ेदार रहा एडवेंचर्स रहा, मतलब फिसलन बहुत थी, अभी बारिश वारिश के मौसम में और मानसून जब आएगा अपना, तो यहाँ पे अच्छे से फ्लो से पानी जो आता है वो दिखेगा। अभी हम लोग तो जून के मौसम में आए, जून में तो गर्मी, अभी बारिश वारिश का कोई सीन है नहीं, तो ज़्यादा तो कुछ मतलब उतना ज़्यादा वाटरफॉल तो दिखा नहीं, बट हाँ दो तीन वाटरफॉल थे छोटे छोटे वो हमने देखे। और अगर बारिश के मौसम में आते हैं तो मतलब मज़ेदार, वो पूरे जितने भी साइड साइड से एरियाज था ना सारे पे पानियाँ गिरती हैं इसे, तो मज़ा आएगा उस मतलब बारिश के मौसम में। हम मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मानसून जब आ जाए बारिश और इसमें आइए, सेप्टेम्बर या अगस्त वगैरह में। भूख लग चुकी है यार थोड़ा सा, तो हमने लिया काकड़ी, लो भैया ककड़ी आ गई। यहाँ पे यही सब तो मिलेगा, ये सब चीज़ें अच्छी है, वो सब मसाले वाले चीज़ हम नहीं खाएंगे यहाँ पे, ट्रैवलिंग करने वाला है। यहाँ पे टैटू चल रहे, टैटू के डिजाइन, ये सब डिजाइन है। बन किसके रहे, ये देखिए बन भी गए क्या, इनके बन रहे टैटू, ये बन रहे टैटू, देखिए दिखाइए टैटू दिखाइए। ओ वाओ माँ, हाँ अच्छा टैटू है, हम लोग खाते हैं पहले उसके बाद ये लोग को बना दिए थे। फ्लावर केव से हम निकल चुके हैं यहाँ से, अभी गर्मी बहुत है, अभी जून के मौसम में जून के मंथ में आने वाला नहीं है, आप आओ यहाँ मानसून जब बारिश वारिश होती है तब देहरादून आके घूम सकते हो, देहरादून अच्छी प्लेस है। अभी ठंडी के लिए यहाँ पे बहुत गर्मी है, हमने लखनऊ में पता करा लखनऊ से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे, तो
और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं होटल, और अभी देखते हैं जाने का, थोड़ा सा हमारा टिकट्स वगैरह थोड़ा था वो बुकिंग नहीं हो पाया, तो देखते हैं अभी कैसे जाने का होता है। आज के लोग के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि अभी हम निकलने का प्लान करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब बने रहिए हमारे साथ, अभी दिखाते हैं कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में, अब भी हो सके तो आएगा कि हम कैसे देहरादून से हम लखनऊ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर